सेट से मैं हिना कुमावत लगातार ग्रैंड फिनाले की खबर ला रही हूँ। इस समय हम सेट के अंदर ही है और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा शो हुआ और आसिम रियाज जो है भले ही दूसरे नंबर पर आए हो लेकिन यहाँ पर उनके लिए जो तालियाँ बजी उसकी गड़गड़ाहट किसी विनर की तालियों से कम नहीं थी। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अंदर मौजूद थी और जब दो टॉप टू में ये था, उसके बाद भले ही सिद्धार्थ शुक्ला का हाथ उठा हो ट्रॉफी के लिए लेकिन आसिम रियाज के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी तारीफें हो रही थी। आसिम स्टेज से नीचे आए, वो जो है अपने पापा के मम्मी के पैर छुए, उन्होंने उनके गले लगे और उसके बाद जो है उन्होंने, उनकी आंखें थोड़ी नम थी क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एक्चुअली बहुत पीछे बैठे थे, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं देख पाए, लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही थी कि उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी ज़रूर थी इस बात को लेकर कि वो टॉप टू तक गए लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। पर मुझे लगता है कि आसिम ने जिस तरह से लोगों का दिल जीता है, प्यार जीता है, वो भी किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। आप सोचिए, चार महीने पहले एक 25 से 26 साल का लड़का जो शो में आने के लिए 5-6 घंटे पहले कंफर्म होता है, उस शो में आकर जो है इतने बड़े बड़े चेहरों के साथ जो है खड़ा रहता है, नाम कमाता है और जो है इतनी आगे बढ़ जाता है, तो उनकी जो ये काबिलियत है उन्होंने ही उनको विनर बनाया है। सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही बड़ा नाम था, उनको भी मालूम था फाइट टफ है, मनी बैग की बात आई तो भी वो अड़े रहे कि नहीं लेके निकलेंगे। घर से जब वो आखिरी बार निकल रहे थे वो सिद्धार्थ शुक्ला और घर की लाइटें बंद हो गई, वो मोमेंट जो है बहुत खास था। तो कहीं ना कहीं आसिम भले ही शो ना जीती हो लेकिन उन्होंने जो है लोगों का दिल जीता है। जॉन सिन्हा ने उनके लिए लिखा था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, 15 मिलियन ट्वीट का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। तो एक आम आदमी होकर, एक आम लड़का होकर उन्होंने जो अचीव किया है वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। वो थोड़े मायूस थे, तो जितने भी उनके कंटेस्टेंट घर के अंदर रहे हैं उनको प्यार करते थे, रश्मि, विशाल, इन सभी ने आकर जो है उनका हौसला बढ़ाया और बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा सपोर्ट उनका रही हिमांशी खुराना जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने बहुत ही प्यार से आसिम रियाज का हाथ पकड़ा और जो है बहुत ही प्यार से मुस्कुराहट से उनको बोला कि किसी तरह से इशारों में उन दोनों की बातें हो रही थी। लेकिन एक बात तो साफ है कि आसिम जीते या हारे जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने भी उनको प्यार दिया है, वो हमेशा उनके दिलों में राज करते रहेंगे। मैं ग्रैंड फिनाले के और भी बहुत सारे अपडेट लाऊंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।